कानपुर से आपको बता देते हैं, पूर्व पार्षद को थाने के बाहर पीटा गया। पूर्व पार्षद दिलीप चौरसिया को किराएदार ने पीटा है। ग्वालटोली थाने के बाहर सरेआम की गई है मारपीट। ग्वालटोली इंस्पेक्टर ने घटना की जानकारी से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। ग्वालटोली इंस्पेक्टर ने घटना की जानकारी से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो कानपुर में पूर्व पार्षद को थाने के बाहर जमकर पीटा गया है। तस्वीरें आपके सामने है, पूर्व पार्षद दिलीप चौरसिया की जमकर पिटाई की गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, थाने के बाहर पूर्व पार्षद दिलीप चौरसिया को किराएदार ने जमकर पीटा है। और इस मारपीट की वजह क्या रही, फिलहाल इसकी स्थिति साफ नहीं हो सकी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हालांकि अभी इसकी वजह साफ तौर पर सामने नहीं आई है। ग्वालटोली इंस्पेक्टर ने इस घटना की जानकारी से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, लेकिन ये जो मारपीट हुई है ये थाने के बाहर हुई है। जब इंस्पेक्टर से पूछा गया तो साहब ने इस घटना की जानकारी से साफ तौर पर मना कर दिया। तो पूर्व पार्षद दिलीप चौरसिया को किराएदार ने पीटा। ग्वालटोली थाने के बाहर सरेआम ये मारपीट की गई है। ग्वालटोली इंस्पेक्टर ने इस घटना की जानकारी से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। यानी थाने के बाहर ये मारपीट हुई और इंस्पेक्टर साहब को जरा भी भनक नहीं लगी है। इंस्पेक्टर साहब ने साफ तौर पर इस घटना की जानकारी को लेकर मना कर दिया है। तो पूर्व पार्षद दिलीप चौरसिया को किराएदार ने जमकर पीटा, क्यों पीटा फिलहाल इसकी स्थिति साफ नहीं हो सकी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस तरीके से पूर्व पार्षद को पीटा जा रहा है, यहां तक कि महिला भी उसको जमकर पीट रही है।